flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to side. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुमन स्टोरी। और दोस्तों, आज हम कहाँ पे हैं देखिए, छतरी लेके खड़े हैं और पीछे आप छोटे छोटे कॉटेज देख सकते हैं और इस तरफ देखिए शेड के नीचे आपको इग्लू टेंट देखने को मिल जाएगा। ब्लॉग तो मैं दोस्तों यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, पर इसका शुरुआत हुआ था कल 2 तारीख को। 2 तारीख हम घर से निकल के यहाँ पे आए थे। तो चलिए पहले आपको कल का पार्ट दिखा देते हैं। The ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. दोस्तों, अभी हम लोग सियागर रोड से जा रहे हैं। सियागर रोड एक्चुअली सियागर फोर्ट है, वहां तक जाती है, पर हम उससे पहले राइट साइड ले लेंगे। खड़गवासला डैम है, डैम के पास आज का हमारा डेस्टिनेशन है पानशेत डैम। ये पूना में ही है, पूना में जस्ट पूना से आउटस्कर्ट में है। जाते टाइम हमें खड़गवासला डैम के साइड से ही जाना पड़ेगा, वो भी आपको दिखाएंगे नज़ारा। पानशेत डैम में हमने बुक किया है जो रिसोर्ट, एक्चुअली ये रिसोर्ट नहीं होते, ये सारे लेक कैंपिंग टाइप होते हैं। इसका नाम है राजमाची लेक कैंपिंग पानशेत। उसमें जाएंगे, ऑलरेडी रूम बुक किया हुआ, रूम एक्चुअली उधर टेंट का भी फैसिलिटी था और कॉटेज का भी फैसिलिटी था। हमने थोड़ा सा बारिश अभी चालू हो गया तो इसलिए टेंट को छोड़ के हमने कॉटेज को प्रेफर किया, कॉटेज बुक किए है। तो कॉटेज भी आपको दिखाएंगे, बहुत बढ़िया है। जो फोटो उन्होंने शेयर किया है, मैंने जो देखा है गूगल में भी दिया हुआ है, कॉटेज बहुत ही बढ़िया है, आपको जाके दिखाते हैं। तब तक आप ये रोड का नजारा देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे राजमाची रिसोर्ट पे। आप देख सकते हैं ये रोड है और बैक साइड में वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे पार्क कर दिया है। और ये दो कॉटेज अभी फ़िलहाल खाली है, दोनों में देख लेते हैं, देखने के लिए बोला है, जो भी पसंद आएगा ले सकते हैं। एक बार देख लेते कॉटेज कैसा है। वाओ, ये आप देखिए ऊपर से ऐसे बना हुआ है और ये है रूम, ठीक है, ये कॉटेज और एक ये भी है और एक ये भी है, तो जो भी पसंद आए ले सकते हैं। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body
body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. दोस्तों स्विमिंग कर लिया, अभी देखिए आ गया है गर्मा गर्म, बंगाली में बोलते हैं पियाजी, और एक्चुअली ये ऑनियन पकौड़ा है, कांदा पकौड़ा, तो इसके साथ गर्मा गर्म चाय भी आ रहा है। और हम अभी फ़िलहाल कहाँ पे बैठे हैं देखिए, ये ऊपर है, हम नीचे अपना पूरा प्रॉपर्टी है, और ये एक छोटा सा वॉच टावर जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर चढ़ के आए सीढ़ी से, आपको दिखा देते हैं। ये वाला जो वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये कॉटेज अपना है, और दूर में दिख रहा है वो है पानशेत डैम। पानी अभी थोड़ा सा, जस्ट बारिश शुरू हुआ है, जुलाई है तो इसलिए पानी थोड़ा कम ही है, और हम अभी फ़िलहाल यहाँ से चढ़ के ऊपर आके यहाँ पे बैठे हैं, और अपना चाय बहुत जल्दी आ जाएगा पकोड़े से, अभी अपना नाश्ता जो है एंजॉय कर रहे हैं। Thank you. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 3rd of July है 2022। कल हम लोग यहाँ पे आए थे और रुके थे, बहुत मस्ती किए हैं। अभी जब सुबह हुआ है 6 बज रहा है, और मोपर्ना और निहिरा अभी सो रही है। पानशेत डैम के साइड में ये एक रिसोर्ट है, जहाँ पे कुछ ऐसे, आप देख सकते पीछे ऐसे वुडन कॉटेज है, वुड से बना हुआ, आप देख सकते बहुत ही सुंदर है। ये जो छतरी है, ये वाला कॉटेज हमारा है, इस साइड में भी और कॉटेज है, और उस तरफ 2 कॉटेज है, तो ऐसे टोटल 4 कॉटेजेस हैं। और ऐसे इग्लू टेंट का भी अरेंजमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट का ये सरफेस बना हुआ है, इसके ऊपर बना देता है, इधर भी है, ऊपर एक वॉच टावर जैसा है उधर भी है, और इस तरफ आप, अभी बारिश हो रहा है इसलिए शेड के अंदर यहाँ पे इग्लू टेंट रखा हुआ है, अगर बारिश नहीं होगा तो इस तरफ भी बहुत सारा जगह है जहाँ पर भी नॉर्मल डे पे, नॉर्मल सीजन पर यहाँ पर इग्लू टेंट लगाया जा सकता है। आप देख सकते ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, इस एरिया में भी बहुत सारे इग्लू टेंट लग जाएगा। और उस तरफ देखिए ये जो गेट है, गेट के बाहर अपना गाड़ी पार्क किया हुआ है, और यहाँ पे भी एक मेन गेट है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गेट के साइड से ये जो वुडन कॉटेज है ये चालू होता है, और इतना स्पेस यहाँ पे है, ऑलरेडी ग्रीनरी है काफ़ी सारा। दूर में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा वॉच टावर जैसा है, जहाँ पे हम कल शाम को बैठ के पकौड़ा और चाय पी रहे थे, और सामने ही आपको एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो शेडेड एरिया, ये एक्चुअली डाइनिंग एरिया है, अब खाना वाना यहीं पर सर्व किया जाता है। इस तरफ भी आएंगे तो शेड करके कुछ इग्लू टेंट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे वॉशरूम का जो सीन है, कॉमन वॉशरूम है, टोटल 5 वॉशरूम यहाँ पे है, और इसमें दोस्तों इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न कॉमन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये रिसोर्ट का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, गूगल मैप लोकेशन भी मैं दे दूंगा, वो भी आप चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे आने के लिए कैसे आना है। एक्चुअली यहाँ का जो सीन रहता है, जनरली ये सारे लेक कैंपिंग्स जो रहे 4 बजे से लेकर नेक्स्ट सुबह आपको 9:30-10 बजे तक का ये कैंपिंग रहता है। इसमें दोस्तों आपको इनिशियली दिया जाता है, जब आप आते हैं उस टाइम पे चाय और पकोड़े दिया जाता है, उसके बाद बारबेक्यू होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको बारबेक्यू में चिकन बारबेक्यू मिलेगा, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको चिली पनीर मिल जाएगा, और रात को आपको वेज या नॉन वेज जो भी है अनलिमिटेड खाना भी इसमें दिया जाता है। Thank you.
दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे राजमाची रिसोर्ट से और ऑल सेट, सारे लगेज जो है गाड़ी में रख दिया है, अभी निकलेंगे। और जाने के टाइम पे कुछ यहाँ पे एक दो पॉइंट है, वो देखते हुए अभी हम वापस जाएंगे और आपको भी वो पॉइंट दिखा देंगे। वैसे दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल शुमन स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही ढेर सारे ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मैं बनाता हूँ, तो जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगा। Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. दोस्तों ये छोटा सा जर्नी बहुत ही सुनहरा था और हमने बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। वैसे दोस्तों आपको बता दूँ, कैंपिंग स्टाइल और होटल में काफ़ी डिफरेंस है। होटल में आपको जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है, कैंपिंग में उतना ऐसे नहीं मिलती है, पर कैंपिंग में एक अलग ही मज़ा है जो कैंपिंग में ही मिल सकता है। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, और आप चाहे तो यहीं पे और भी बहुत सारे रिसॉर्ट और कैंपिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि MTTC का भी रिसॉर्ट यहीं पे अवेलेबल है, पानशेद डैम के जस्ट पास में ही। तो अभी फ़िलहाल ये पानशेद बोटिंग क्लब के बाहर एक छोटा सा टपड़ी है जहाँ पे हम वड़ा पाव खाए। ये बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव था और रेट भी काफ़ी रिजनेबल था। इसका मज़ा लेते लेते आज इस वीडियो को हम करेंगे ख़त्म। और नेक्स्ट जो ट्रिप मैं करने वाला हूँ, जहाँ पे जाने वाला हूँ, वो सब आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो अब तक के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नई जगह पे। तब तक के लिए अलविदा।